हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आपको अपना पिक्सल लैब का ऐप ओपन कर लेना है। ये ऐप ओपन हो जाएगा तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से फ्रेम में आप डालना चाहते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इमेज साइज के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब थंबनेल, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब इसको आपको नीचे सेलेक्ट करना, इंपोर्ट करना है। अब आप इसमें से जिस तरह का थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास अभी एक इमेज है जो मैंने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके रखा है। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद इसको राइट के निशान पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इस पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जिस हिसाब से आपको सही लगे। ये दोस्तों, हाँ ये सही हो रहा है, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। आपको पिक्सल लैब के ऊपर प्लस का आइकन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि इसमें आ रहा है अभी स्टिकर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें तरह तरह का स्टिकर दिया हुआ है, जैसा कि मैं अभी ये स्टिकर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपने वीडियो का जो भी टाइटल देना है वो इसमें दे दीजिए। जैसे मैं अपने वीडियो का टाइटल दे रहा हूँ, हाउ टू मैक यूट्यूब चैनल, सॉरी गलती हो गया, हाउ टू मैक अ यूट्यूब चैनल ऑन स्मार्टफोन। मैंने इसकी वीडियो एक बना रखी है, आपका मन हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब इसको एडजस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल इधर कीजिए। उसके बाद आप इसमें देख पाएंगे, आप फ्रंट चूज कर सकते हैं। आपको जो भी फ्रंट अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हर तरीके का इसमें फ्रंट दिया गया है, मैं ये फ्रंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं अभी इसमें बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि मैंने इसमें क्या दिया है। सॉरी, स्मार्टफोन का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। आगे इसको हम बताएंगे कि इसे फिर से एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस कलर को चूज कर लिया है, इसको एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट होने के बाद ये एडजस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं, जैसा कि आज जो डेट है वो आ रहा है। बस आपका अगर मन हो तो आप इसमें अपना डेट भी आज का दे सकते हैं। जब भी आप वीडियो बना रहे हैं उसमें हर तरीके से फिर से वही प्रोसेस है, बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, उसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए। इसमें भी आप फ्रंट चूज कर सकते हैं, आपको जो भी फ्रंट अच्छा लगे वो देख के की सेलेक्ट कर लीजिए। जिस तरीके से आपको जहां भी एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है तभी तो आपके वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वीडियो का लगभग प्रोसेस इसी पे होता है। मैंने इस डेट को हटा दिया है क्योंकि मुझे डेट नहीं देना है, मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए ये बताया था। ये स्टिकर मैंने फिर से एक और इधर ऐड कर दिया है राइट साइड में। उसके बाद एक और स्टिकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बल्ब वाला एक था स्टिकर, बैक कर रहा हूँ, हाँ ये स्टिकर मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस आप अपने थंबनेल को कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए, जिससे आपका थंबनेल अच्छा लगेगा तो इस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे। मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप स्पेलिंग को एडिट भी कर सकते हैं, तो मैं इस स्पेलिंग को फिर से एडिट कर रहा हूँ।
उसके बाद ओके का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ये फिर से वहीं पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और सेव टू इमेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।